नमस्कार दोस्तों, कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता का राशि पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 10 जनवरी दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सतर्क रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आए शुरू आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक और जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आए शुरू आकर संपूर्ण राशि बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार सरस्वती माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार, आज की तिथि चतुर्दशी, आज का नक्षत्र मूल नक्षत्र, पंच चरक कृष्ण पंच। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:41 पर। दोस्तों आज का शुभ समय कोई भी नहीं और आज का अशुभ समय है दोपहर 12:07 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें, आपके लिए अशुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज आपका लकी नंबर 3 और शुभ रंग है गुलाबी और नीला। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों रुपये पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं तनाव का कारण साबित हो सकती हैं। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। बच्चे भविष्य की योजनाएं बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज्यादा समय बिताकर आपको निराश कर सकते हैं। दोस्ती के चलते रोमांस का फूल खिल सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपकी टीम का सबसे ज्यादा खिंचने वाला व्यक्ति आपकी समझदारी की बात करता हुआ नजर आ सकता है। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में जाएंगी और आप हर काम में अपल रहेंगे। लंबे अरसे के बाद जीवन साथी के साथ काफी वक्त गुजारने का मौका आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। निवेश करना कई बार आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत के लिहाज से दिन थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। तब तक कोई बात ना करें जब तक आप खुद यह ना जान जाते हो कि आप उसे हकीकत में पूरा करेंगे। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं दे रहा है, यह शिकायत आज आप खुलकर उनके सामने कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। साथ ही साथ आपको बताएं भविष्य को लेकर बेकार में चिंता करते रहना आपको बेचैन कर सकता है। आपको समझना चाहिए कि असली खुशी वर्तमान का पूरा मजा लेने में आती है, ना कि भविष्य पर निर्भर रहने से। हर चीज का अपना अलग अलग अंदाज है, यहाँ तक कि अंधकार और सन्नाटे का भी। आकस्मिक मुनाफा या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। आपकी परेशानी आपके खांसी बड़ी हो सकती है, लेकिन आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। शायद उन्हें लगता हो कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ आपको बताएं आज का दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, परिवार के साथ दिन अच्छा बीतेगा। परिवार के लोग घरेलू कार्यों में मददगार रहेंगे। आज आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंस से पेश आएंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। कहीं बाहर जाते समय दवाइयां साथ रखें, जरूरतमंदों को कपड़े दान करें, रुके हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। आज आपको सलाह दी जाती है कि दिखावा करने वाले लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। अपने स्वभाव पर पूरा नियंत्रण रखें। जीवन साथी और आपके बीच में एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में कुछ नया कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं आज आप शायद ही नोटिस करेंगे लेकिन आपका बैंक बैलेंस बहुत बेहतर होगा। आप में से कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप करने से पहले
सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करना आपके लिए अति आवश्यक है। महिलाओं को अपने व्यवसाय अथवा नौकरी में विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज भले ही सब कुछ आपके पक्ष में हो, फिर भी आपको कुछ कदम उठाने की अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बनेंगे। परिवार में छोटे बच्चे आज आपसे कुछ फरमाइशें पेश कर सकते हैं, जिन्हें पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। आज अपने प्रिय की तारीफ में शेर व शायरी आप कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आज आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। शेयर बाजार में धन लगाने से पहले आपको अपने बड़ों की राय अवश्य लेनी चाहिए। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनको दिन के अंत में व्यापारिक मामलों को लेकर सचेत रहना चाहिए। आपकी प्रायोगिक दृष्टि और व्यापारिक बुद्धि आपके कैरियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। आज महत्वपूर्ण संपर्क बनाने के लिए और कुछ सीखने का अच्छा अवसर होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं, बाहरी वाहन निर्माता कंपनियों को काम बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। जूट का कारोबार कर रहे लोगों को मन प्रसन्न रहेगा और उन्हें लाभ भी मिलेगा। पति पत्नी के संबंध में मधुरता रहेगी। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में ना पड़कर अपने कैरियर पर भी ध्यान केंद्रित करें तो आपके लिए अच्छा होगा। पार्टनर से मिल रही मदद और साथ का उपयोग ठीक से करें। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखें। नकारात्मक विचारों का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कैरियर में लिए गए निर्माण में आप बदलाव करने की कोशिश करें। विस्तार संबंधी उपलब्धि आपका इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान समय पूरी तरह से अपने व्यापार पर फोकस करने का है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अत्यधिक कारोबार की वजह से कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास सफल रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में आज कुछ अच्छा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो रहा है, व्यय असमाप्त होने की संभावना है। आज आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका मिल सकता है। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बातें ना करें। आपको अपने जीवन में प्यार और मनोरंजन के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप किसी रिश्ते में हैं या फिर पहले से किसी की तलाश में हैं तो वह आपको मिल सकता है, तो आपको इस मामले में खुशी मिल सकती है। साथ ही रोमांटिक आकर्षण की भी आज संभावना है। मनोरंजन के लिहाज से आज आप उनके साथ कई मूवी देखने भी जा सकते हैं व आज आप उनके साथ खाना भी खा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो दोस्तों, आपको उस बीमारी से थोड़ा आराम मिल सकता है। आपकी उस बीमारी में सुधार आएगा, जिससे आपकी परेशानियां कुछ हद तक खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप अपने खानपान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।